ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। वहीं इस बार इंडिया अलायंस में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे और 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को देंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने चारों कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में एक सीट जो चर्चा का विषय बनी हुई है वो सीट है नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी के मनोज तिवारी सिटिंग सांसद हैं और इस बार बीजेपी ने कमाल कर दिया। 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने पिछली दफा उम्मीदवार जीते थे, उनके 100% उम्मीदवार जीते थे, यानी कि 7 में से 7 उम्मीदवार की जीत हुई थी। इस बार बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों को बदल दिया, लेकिन एक सीट जो नहीं बदली वो थी मनोज तिवारी की सीट। मनोज तिवारी पर बीजेपी ने अपना भरोसा कायम रखा, बदलाव की लहर थी, सारे सांसद को बदल दिए गए, सारे सांसदों के टिकट बीजेपी ने काट दिए दिल्ली से, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा। और अब यही कारण है कि जो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र है ये चर्चा में आ गया है कि मनोज तिवारी को टक्कर कौन देगा। बात करें पिछले चुनाव की तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। मोदी लहर में लगातार 2014-2019 में मनोज तिवारी ने इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन अब जो चर्चा गर्म हो गई है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस भी मनोज तिवारी के सामने एक ऐसा ही उम्मीदवार देने जा रही है और उस उम्मीदवार का नाम है नेहा सिंह राठौर। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती है नेहा सिंह राठौर अपने बोली को लेकर के, अपने कविताओं को लेकर के, अपने बयानों को लेकर के, और उनका बोलने का जो तरीका है, ठेठ देहाती अंदाज में नेहा सिंह राठौर अपनी बात को रखती हैं। और यही कारण है कि मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस इस बार नेहा सिंह राठौर पर दांव लगा सकती है। मनोज तिवारी बिहार से आते हैं तो नेहा सिंह राठौर भी बिहार से आती है। मनोज तिवारी यदि भोजपुरी फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तो नेहा सिंह राठौर भी पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी हुई है। उनके हर एक वीडियोस पर भर भर के व्यूज आते हैं, लोग उन्हें सुनना देखना पसंद करते हैं, चाहे बात बेरोजगारी की हो, बात भ्रष्टाचार की हो, बात राम मंदिर पर हो, नेहा सिंह राठौर मुखर होकर के अपनी बातों को रखती हैं। और यदि बात टीवी डिबेट्स की हो तो टीवी डिबेट्स पर भी नेहा सिंह राठौर के जो व्यूज है वो काफी हाई रहते हैं, टीआरपी के लिए जो है पहली पसंद बनी रहती है वो मीडिया चैनल्स की। यदि इस तरह की कोई चर्चा हो तो नेहा सिंह राठौर पर कांग्रेस दांव लगा सकती है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। और इसको लेकर के लगातार जो नेहा सिंह राठौर है, हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है, अगर उनके ट्विटर हैंडल को देखा जाए, खंगाला जाए, तो पिछले कई दिनों से नेहा सिंह राठौर मनोज तिवारी के ऊपर हमलावर है और हमला इस तरीके से कर रही है कि उनके पुराने वीडियोज, पुराने फोटोज को वो निकाल कर वायरल कर रही हैं। और वो पुराने फोटोज, पुराने वीडियोज वो हैं जो मनोज तिवारी ने गीत गाए, कई गीतों के बोल अश्लील हैं, जिस पे मनोज तिवारी को वो सीधे तौर पर टारगेट कर रही है कि बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा जताया, बीजेपी ने एक ऐसे नेता पर भरोसा जताया जो महिलाओं का सम्मान ना करती हो। सीधे सीधे मनोज तिवारी को नेहा सिंह राठौर कटघड़े में खड़ी कर रही है, कई उनके गानों को वो लगा रही है, उनके पोस्टों को वो डाल रही है। और उन्होंने सीधा सवाल किया कि जब वो बिहार में रहती थी तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी लड़कियां, क्योंकि पान की दुकान पर मनोज तिवारी के अश्लील गाने बज रहे होते थे। सीधे तौर पर टारगेट मनोज तिवारी को किया जा रहा है। और इसी के साथ अब यह चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी इन 3 सीट जो कांग्रेस की झोली में आए हैं, कांग्रेस के खाते में आए हैं, उन 3 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक इन उम्मीदवारों का नाम जो है वो जारी कर सकती है और कब तक जो है अंदर खाने जो चर्चाएं चल रही है कि आखिर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र हो, नॉर्थ वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, इन सारी चीजों पर कब तक कांग्रेस की तरफ से जो है लिस्ट जारी होती है। लेकिन जो नेहा सिंह राठौर का जो दांव
यदि कांग्रेस खेलती है इस बार तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी पर यह महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर वही लोक गायिका है जो बिहार चुनाव के दौरान अपने एक गीत की वजह से वायरल हुई। वो गीत के बोल थे बिहार में काबा, और उसके बाद लगातार वो इतनी फेमस हो गई कि उनके कई वीडियो सामने आए। यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने यूपी में काबा गाया, राजस्थान चुनाव के दौरान उन्होंने वीडियो जारी किया। बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, राम मंदिर का निर्माण हो, सीधे सीधे उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। और अगर एक कोर वोटर की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर जो पूर्वांचली वोटर्स हैं, जो बिहार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उनका बोलबाला है। और इसलिए लगातार मनोज तिवारी इस सीट पर सांसद चुने जाते रहे हैं, और बीजेपी ने इस बार भी उनका टिकट नहीं बदला, बाकी सांसदों का टिकट काट दिया, लेकिन पूर्वांचली वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने इस बार उन्हें जो है उनका जो टिकट है वो बरकरार रखा। और यही दाव अब कांग्रेस खेलने जा रही है। जो नाम है वो नेहा सिंह राठौर का है। अब देखने वाली बात होगी कि इस नाम पर कांग्रेस मुहर लगाती है या नहीं, या ऐन वक्त पर उम्मीदवार बदल दिए जाते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।